ऑल तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमारी 12th की जो इकोनॉमिक की बुक है इंडियन इकोनॉमी, उसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, वो भी इंडस्ट्रियल टॉपिक के साथ। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है आपका इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। हाँ जी, ये चैप्टर रिलेटेड है ईयर 1991 से, जब हमारी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लॉन्च कर रहे थे हमारी कंट्री के अंदर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स का मतलब कलर ले लेते हैं, यहाँ पे आप पर ले लेते हैं डार्क कलर। रिफॉर्म्स मतलब किसी की भी जो फॉर्म है, फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म चल रही है किसी भी चीज, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई मैनेजमेंट हो सकता है, उसका री री करना मतलब चेंज लाना या फिर इम्प्रूव करना उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्म्स 1991, मतलब ये जो रिफॉर्म्स आए थे वो कौन सी ईयर में आए थे फ्रेंड्स, 1991 में आए थे ये रिफॉर्म्स। किस में रिफॉर्म्स आए थे? हमारे इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी क्या? हमारा एक सिस्टम है, या फिर आप मैनेजमेंट बोल सकते हैं किसको, हमारी कंट्री को रन करने के लिए एक सिस्टम या मैनेजमेंट है जिसको इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें रिफॉर्म्स ला रहे थे, इसका मतलब कि जो पहले से लॉ पैटर्न वगैरह जो चल रहे थे उसके अंदर हम चेंजेस लाएंगे ताकि हम और ज्यादा ग्रोथ कर पाए। कभी भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत जब भी पड़ती है, जब हम पुराने पैटर्न पे ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा ग्रोथ या इंक्रीमेंट नहीं फेस कर रहे होते, तो हम सोचते हैं कि ये जो पुराना पैटर्न है इससे हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, चलिए इसको चेंज करते हैं। तो ये रिफॉर्म्स भी इसलिए लाए गए थे क्योंकि ईयर 1991 से पहले हमारा जो भी सिस्टम चल रहा था उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट ना आने की बजाय इम्प्रूवमेंट कम होता जा रहा था, हम इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, उसका डिमोशन होता जा रहा था। इस चक्कर में हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, ईयर 1991 में हमारी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि अब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ गई। तो चलिए इस चैप्टर को भी एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, ईयर 1991 में हमारी जो कंट्री थी उस कंट्री की जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कंडीशन कैसे हो गई थी? वर्स्ट कंडीशन। ऐसा क्यों हुआ था? हमारे पास जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमी कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं वेल्थ, वेल्थ क्या हो रही थी हमारी? गिरती जा रही थी। हमारे पास जो पैसा था, हमारी कंट्री में जो पैसा था, करेंसी, वो क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी। हमारे पास पैसा कम था अपनी कंट्री को रन करने के लिए, तो हम एक ऐसी कंडीशन में फंस चुके थे ईयर 1991 के अंदर कि अब हमें बोरोइंग की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी फ्रेंड्स? बोरोइंग मतलब कर्जा लेने की जरूरत थी। कितना? वो भी कितना कर्जा लेने की जरूरत पड़ी हमें? 7 बिलियन, 7 बिलियंस की जरूरत थी। अब ये 7 बिलियन हमें कौन देगा? कोई छोटे मोटे बैंक के पास तो 7 बिलियन होते ही नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया, बात की IMF और वर्ल्ड बैंक से। किससे? IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों से कहा कि भाई हमारी कंट्री की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमें लोन की जरूरत है, आप हमें लोन दे दीजिए। लेकिन जो IMF है, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ये एफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अदर कंट्रीज को लोन या इनकम फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई आपकी जो कंट्री है उसके अंदर जो पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है? पैटर्न चल रहा है क्या करने का? बिजनेस करने का। वो बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब पॉलिसीज, जो पॉलिसीज हैं हमारे यहाँ वो इतनी ज्यादा स्टिक है कि कोई और बंदा वहां आकर बिजनेस कर नहीं सकता। तो IMF ने बोला कि भाई हम आपको 7 बिलियन का लोन देंगे, लेकिन हमारी शर्त है। शर्त क्या है कि आपको अपनी कंट्री से जो जो पॉलिसीज लगा रखी हैं उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ताकि बाकी इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री में आ सके और इन्वेस्ट कर सकें, ताकि कंट्री की कंडीशन भी थोड़ी सुधरे। लेकिन ये 7 बिलियन
सिर्फ इस पॉलिसीज रिमूव करने के ऊपर नहीं दिए उन्होंने, हमसे बोला कि भाई आपको इतना सारा पैसा चाहिए तो कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, तो इन्होंने हमसे गोल्ड भी गिरवी रखवाया। क्या रखवाया? गोल्ड गिरवी रखवाया। अभी हम आगे पढ़ेंगे हमने कितना सारा गोल्ड इन्हें दिया, हमें 7 बिलियंस का लोन चाहिए था जब। लेकिन जब हमें इस कंडीशन में फंस गए, IMF ने बोल दिया आपको गोल्ड रखना पड़ेगा और आपको पॉलिसीज को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके ही आप अपनी कंट्री कंडीशन को सुधार सकते हो। हम एक ही कंडीशन पे पैसा देंगे कि आपको अपनी कंट्री के जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज करना होगा। तो ये सारी कंडीशन सुनने के बाद जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बने थे कुछ टाइम के लिए, चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर आजाद वाले चंद्रशेखर नहीं है, ये दूसरे हैं चंद्रशेखर है। ये कुछ टाइम के लिए बने थे, उनके बाद प्राइम मिनिस्टर बने आपके पीवी नरसिम्हा राव, PVN जिनको शॉर्ट में बोलते हैं। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने कब? 1991 की जो हमारी 5-year plan चल रहा था उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आए पीवी नरसिम्हा राव। चलिए अब इसको देखते हैं आगे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इसको रिवाइज करना हो तो। तो पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया? पीवी नरसिम्हा राव ने बोला कि मनमोहन जी को बुलाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको पता होगा ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे ये थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और एक ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स में इनकी नॉलेज इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा डीप है। तो ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्री कुछ भी कह सकते हैं आप, रह चुके हैं और ये हमारे देश में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनको बुलाया और इनसे कहा कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाइए ताकि हमारे देश की कंडीशन जो है सुधर सके। तो जैसा कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स रह चुके हैं, अर्थशास्त्री रह चुके हैं, तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम बनाते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बनाते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP बोल सकते हैं, या जिसको LPG के नाम से भी जाना जाता है। ये LPG आपके घर में जो सिलेंडर आता है वो वाला LPG नहीं है, ये LPG है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं रिफॉर्म्स 1991। कब के रिफॉर्म्स? एक बार इसको रेस कर लेते हैं। रिफॉर्म्स, तो इनको तीन नामों से जाना जाता है, NEP के नाम से भी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG के नाम से भी, और रिफॉर्म्स 1991 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स 1991। तो ये स्टोरी आपको याद रखनी कि न्यू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे देश की कंडीशन इतनी ज़्यादा वस्त हो चुकी थी। अब एक सवाल आता है बच्चों के दिमाग में कि हमारी कंडीशन इतनी ज़्यादा वस्त कैसे हो गई, क्योंकि जो 5-year plan हमने बनाए, 5-year plan कब से? 1951 से लेके 1991 तक जितनी भी प्लान्स बने, इन प्लान्स के अंदर कौन वर्क कर रहा था? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। तो पब्लिक सेक्टर के जो ऑफिसर्स थे, कुछ ऑफिसर्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कुछ कंपनियां घाटे में जा रही थी, जिस वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो ग्रो करने की बजाय डूबना शुरू हो गई। पब्लिक सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा करप्शन हो गया था कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो करने की जगह उल्टा डीप में चली गई। तो जब एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारे देश के अंदर बाहर से इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ 1 week का भी पैसा नहीं बचा था, हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, वो भी खत्म हो चुके थे, हम 1 हफ्ते का इंपोर्ट भी नहीं मंगा सकते थे, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। तो इस वजह से ही ईयर 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमें नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे, वरना हमारी कंट्री डेवलप होने की जगह बेकार हो जाएगी। तब उन्होंने ईयर 1991 के अंदर डिसाइड किया कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं कि अगर हमें वो इकोनॉमिकली कोई हेल्प कर सकते हैं तो हम अपनी कंट्री को डेवलप कर पाए। तो IMF ने क्या एडवाइस दी कि आपको
हम लोन तो दे देंगे इतने पैसे का, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपके जो बिजनेस पैटर्न है उसको चेंज करना होगा, आपकी जो पॉलिसीज है बिजनेस की बहुत ज़्यादा हार्ड है, इन पॉलिसीज को आपको रिमूव करना होगा। तो इन पॉलिसीज को रिमूव करने के लिए हमसे उन्होंने क्या बोला कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन रिजर्व में आपको हमें गोल्ड भी रखना होगा। ऑब्वियसली बात है, इतना सारा पैसा कोई बिना गारंटी कैसे देगा, तो गोल्ड रखवाया। फिर उस टाइम जब हमें फंड फंड हमने एक्सचेंज अरेंज कर लिया, उसके बाद उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, उन्होंने उनके उन्होंने उस टाइम चंद्रशेखर ने के बाद, यानी कि ईयर 1991 में चंद्रशेखर के बाद, क्योंकि चंद्रशेखर जी कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, पूरे टाइम पीरियड के लिए नहीं, तो उनके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनको बुलाया और उन्हें कहा कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाइए जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप हो सके। तो मनमोहन सिंह ने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, जिसको हम जीडीपी जी एलपीजी भी बोलते हैं, और आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 भी बोलते हैं, और उन्हीं पॉलिसीज के बारे में आज इन चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 से लेकर अभी तक क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कि हमारे देश की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि हमें चेंजेस लाने की जरूरत थी, वरना हम डेवलप कंट्री होने की जगह हमारी कंट्री और ज्यादा डीप में चली जाएगी, बैकवर्ड क्लास इकोनॉमी बन जाएगी, यानी कि जो सबसे अंडर डेवलप देश होते हैं उनकी काउंटिंग में हमारी कंट्री पहुंच जाती है अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को नहीं लाते। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या रीजन रहे। इन द ईयर 1991 इंडिया वॉज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेब्ट। इंडिया क्या कर रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे, मैंने बताया ना आपको, हमारे फॉरेन रिजर्व में इतना भी पैसा नहीं बचा था कि हम एक हफ्ते का भी इंपोर्ट कर सकें, और एक्सटर्नल डेब्ट यानी कि जो हमने ऑलरेडी उधार ले रखा था उसको भी नहीं चुका पा रहे क्योंकि हम इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तो इंडिया क्या थी, एक तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंसती जा रही थी। डेट ट्रैप का मतलब होता है कि जब आपने एक बार लोन लिया तो इस लोन को चुकाने के लिए भी आप दोबारा से लोन ले रहे हो, यानी इस लोन पे आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट। आप इस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी क्या ले रहे हो, लोन। फिर इस लोन को चुकाने के लिए आप फिर लोन लोगे। तो इंडिया की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो एक तरीके से डेब्ट में फंसता जा रहा था। तो इंडिया को डिसाइड करना पड़ा कि अब हमें कुछ ना कुछ डिसीजन या एक्शन तो लेना ही पड़ेगा कि हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकें। द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू रीपे द मनी इट हैड बोरोड फ्रॉम द अब्रॉड। वही मैंने बताया ना कि जो हमने ऑलरेडी लोन ले रखा था उसको ही नहीं चुका पा रहे थे, उसको चुकाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए हमें बार बार लोन लेना पड़ रहा था। तो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि हम डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे थे, इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ा कि अब हमें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाने होंगे जिससे कि हमारी कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया वॉज फेसिंग सीरियस डेफिशिएंसी इन हर फॉरेन ट्रेड बैलेंस एंड इट वॉज इंक्रीजिंग। फॉरेन ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है, एक जगह हम क्या करते हैं, एक जगह हम पे करते हैं और एक जगह हम रिसीव करते हैं। तो जब ये बोल रहा है, ट्रेड हमें बैलेंस रिसीव जो था हमारा वो क्या होता जा रहा था, कम, और जो पेमेंट है वो क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। मतलब हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड बैलेंस था वो इंक्रीज हो जा रहा था, जिसको बीओपी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। आपके आने वाले चैप्टर्स में हम इसको भी कवर करेंगे। तो हमारी पेमेंट इंक्रीज हो रही थी, इसका मतलब हमारे पास पेमेंट रिसीव ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब जब रिसीव नहीं होगा तो पे करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ऑलरेडी हमारे ऊपर कितना सारा लोन था। तो हमारे हमारे जो फॉरेन ट्रेड था उसमें भी डेफिशिएंसी आ रही थी, यानी कि हम नुकसान में जा रहे थे। और अगला रीजन, सिंस 1987 टू 88 टिल 1991 इट वॉज इंक्रीजिंग इन सच अ रैपिड स्केल दैट बाय द एंड ऑफ 1991 द अमाउंट ऑफ हिज डेफिसिट बैलेंस बिकम। मतलब इसमें आपका जो ट्रेड बैलेंस था इसके अंदर इतनी डेफिशिएंसी आ रही थी, 87 से लेके 88 तक चली, 1991 भी चली, फिर 1991 तक हमारी जो डेफिशिएंसी यानी कि जो हमारा बैलेंस है इतना ज्यादा हो चुका था कि वो बैलेंस कहाँ तक पहुंच गया, 10,644 करोड़।
इतना ज्यादा हमारे ऊपर उधार था, हमें ये चुकाना था। ये उधार सिर्फ उसका है जो हमारा फॉरेन ट्रेड हम कर रहे हैं, और भी उधार है ऑलरेडी, लोन हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं, रोज जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमें इतना पैसा ऑलरेडी चुकाना था, 10,644 करोड़ रुपीज। तो अब इतना सारा कर्जा चुकाने के लिए तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत थी। एट द सेम टाइम द फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक वॉज ऑल्सो डिक्रीजिंग। फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक यानी कि जो हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व पड़ा रहता है, उस वो भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन, ये हमारे इकोनॉमी में एक बार ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हमारे जो रिजर्व थे, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज रिजर्व थे, उसके अंदर सिर्फ एक हफ्ते का इंपोर्ट करने का जो फंड था वो भी नहीं बचा था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज थे वो भी क्या हो रहे थे, डिक्रीज होना शुरू हो गए। इन 1990 एंड 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम द IMF एज कंपनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटी। और फिर ऐसी कंडीशन बन गई थी, मैंने आपको स्टोरी समझाई तब बताया था कि एक ऐसी कंडीशन बन गई कि अब हमें IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ गई, ताकि हम अपनी जो कंडीशन उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट रीजन की हमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, इवन बाय मॉर्टगेजिंग 47 टन गोल्ड। हमने कितना गोल्ड गिरवी रखा, देखो 47 टन, क्योंकि 7 बिलियन का कर्जा चाहिए था हमें। कितने का, 7 बिलियन, 7 बिलियन कम नहीं होते हैं। तो उसके बदले में हमें कितना टन गोल्ड गिरवी रखना पड़ा, 47 टन। इट हैड टेकन शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड, और ये एक शॉर्ट टर्म लोन के फॉर्म में लिया था हमने, किससे, बैंक ऑफ इंग्लैंड। कहाँ का बैंक था वो, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इतनी सारी वर्स्ट कंडीशन हो रही थी, इसलिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और भी पढ़ते हैं, और भी रीजन है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किया। एट द सेम टाइम इंडिया वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन एट द रेट ऑफ विच वॉज 12% बाय 1991। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, इंडिया के अंदर वेल्थ ही नहीं थी, और उसी टाइम पे इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जब इंडिया के पास पैसा नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जब प्रोडक्शन नहीं होगा सप्लाई कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब सप्लाई कम होगी तो जो प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से क्या आता है आपका, इन्फ्लेशन। और वो जो इन्फ्लेशन भी था 1-2% नहीं बढ़ा, वो इन्फ्लेशन बढ़ के कहाँ पहुँच गया, 12%। जब इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा तो इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर है उनकी परचेजिंग पावर वीक होती चली जाएगी, और धीरे धीरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो गरीब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर वीक हो रही है। 1991 आते आते इन्फ्लेशन रेट 12% हो गया था। द रीजंस ऑफ दैट इन्फ्लेशन वर द इंक्रीज इन द प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मोनिटाइज्ड डेफिसिट इन द बजट, इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट कॉस्ट, डिक्रीज इन द रेट ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। लाइक इतनी सारी कंडीशन देखियो, क्या क्या कंडीशन में हुआ था कि पहले क्या हो रहा था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बढ़ रही थी, फिर उसके बाद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मोनिटाइज डेफिसिट बजट, बजट भी हमारा डेफिसिट यानी बजट भी घाटे में जा रहा था। बजट डेफिसिट, बजट क्या होता है कि जब आपने एक बजट तैयार किया तो आपने रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर कॉलम तैयार किए, जिसमें आपके रिवेन्यू तो नहीं इंक्रीज हो रहा, रिवेन्यू नीचे जा रहा है और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब आपका खर्चा होगा और आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो आपका बजट क्या होगा, डेफिसिट। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। फिर इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट कॉस्ट, और हमारे पास पहले ही पैसा नहीं था इम्पोर्ट करने के लिए, और इम्पोर्ट कॉस्ट भी बढ़ रही थी। एंड डिक्रीज इन द रेट ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, और हमारे जो हम जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, जब हमारी कंट्री की कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, तो जो हमारा रुपी है एज कम्पेयर टू डॉलर, उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही थी, यानी कि रुपी की वैल्यू डिवैल्यू हो रही थी, वो कम होती जा रही थी, क्योंकि हमारी वेल्थ इतनी खराब हो चुकी थी। तो ये सारे रीजन थे कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद दस इंडिया वॉज फेसिंग ट्रेड डेफिसिट एज वेल एज फिस्कल डेफिसिट। ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसको हम बजट डेफिसिट ही समझेंगे, क्योंकि बजट डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। हैंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ओनली टू वेज बिफोर इट। अब
इंडिया को इतने सारे ट्रेड डेफिसिट बताया मैंने कि हमें रिसीविंग कम हो रही है, हमारे पेमेंट है बढ़ती जा रही है, और बजट में जो गवर्नमेंट का बजट है उसमें भी हमारे रेवेन्यू से कुछ भी नहीं आ रहा और हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो ही वेज रह गए थे, वो क्या वे थे, टू टेक फॉरेन डेप्ट एंड टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन विद इन द कंट्री फॉर इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल्सो इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। कि या तो हम ये कर सकते हैं कि बाहर से फॉरेन डेप्ट ले लें और अपने इंडिया के अंदर ही कंडीशन को इम्प्रूव करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दें ताकि हमारे पास बाहर से रिवेन्यू आना शुरू हो जाए और हमारी कंडीशन जो है सुधर जाए। या फिर दूसरा हम एक काम कर सकते हैं, द अदर वॉज टू एस्टेब्लिश फिस्कल डिसिप्लिन विद इन द कंट्री एंड टू मेक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फॉर द पर्पस। बोल रहा है या तो एक तरीका यह है कि एस्टेब्लिश फिस्कल डिसिप्लिन, यानी जो हमारा बजट खराब होता जा रहा, फिस्कल डेफिसिट जो होता जा रहा, उसको डिसिप्लिन में लाएं, हमारे खर्चे और रेवेन्यू उसको ठीक करें, इक्वल करें, ठीक है, या और एंड टू मेक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, और एक ऐसा एडजस्टमेंट लाएं जिससे कि हमें बाहर से डेप्ट ना लेना पड़े, हम अपने एक्सपेंडिचर और जो आपका रेवेन्यू उनको बैलेंस करें, एडजस्ट करें और कंट्री को डेवलप करने के लिए काम करें, हम बाहर से डेप्ट ना। तो दो ही तरीके थे, या तो डेप्ट ले लें, उधार लेके काम कर लें, या अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को जो बजट के होते हैं उनको बैलेंस करें और एडजस्टमेंट करें। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हमारे मेन फीचर क्या थे, मेन फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो लाने की जरूरत क्या थी हमने पढ़ लिया, लेकिन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हम लाए उसके फीचर क्या थे। टू गेट रिलीफ फ्रॉम सच अ ग्रेव प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू इंट्रोड्यूस पैकेज ऑफ फॉर्म्स विच इंक्लूड। इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने एक ही टाइम पे बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च की, क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी कि एक या दो एक्शन लेने से हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं होने वाली। तो सीधे ही गवर्नमेंट ने पैकेज ऑफ इम्प्रूवमेंट लॉन्च कर दिए। उस पैकेज के अंदर क्या क्या आया, पहला टू लिबरलाइज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिबरलाइज करने का मतलब है यहाँ पे इंडिपेंडेंट करना, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, आजाद कर देना। तो जो इंडिया के अंदर 1991 से पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसमें क्या था, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन थे। क्या थे, रूल्स और रेगुलेशन। इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लिबरलाइज कर रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी कंडीशंस को, जो लाइसेंस कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको तीन सेक्टर में डिवाइड कर दिया था। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री को रखा था, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री को रखा था, और अदर जो इंडस्ट्री बची थी उनको शेड्यूल सी में। तो शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्री थी, वो टोटली गवर्नमेंट के अंडर थी, उनको कोई और नहीं कर सकता था बिजनेस उस इंडस्ट्रीज के बिजनेस को। और जो 12 बिजनेस थे उनमें उन्होंने कुछ बिजनेस गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ मर्ज करके किए, लेकिन उसमें भी लाइसेंस की जरूरत थी। और अदर बिजनेस जो बचे थे उसमें हर बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी, बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस परमिशन को कोई बिजनेस नहीं कर सकता था। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी बिजनेस नहीं कर पा रहा था इतने रूल्स रेगुलेशन की वजह से, क्योंकि लाइसेंस इतने जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, डॉक्यूमेंट्री में ही लोग फंस के रह जाते थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम हमारी जो लाइसेंस इंडस्ट्री के अंदर जो पॉलिसी है उन पॉलिसीज को हम रिमूव कर देंगे, तो लिबरलाइज कर देंगे, यानी कि उनको स्वतंत्र कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेन फीचर था हमारा टू इनवाइट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री का मतलब है कि जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं, उनको अब उन्होंने किसके हाथ सौंप दिया, प्राइवेट कंपनियों के, कि अब आप इन पब्लिक कंपनियों को चलाओ। जब इन्होंने प्राइवेट कंपनी के हाथ सौंप दिया तो पब्लिक कंपनियां यानी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट हो गई तो अब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आने लगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने लगी और बिजनेस भी ग्रो होने लगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, टू इन्वाइट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन आया। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम पब्लिक कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में या तो बोल सकते हैं सेल कर देते हैं, या उनका जो कंट्रोल है वो उनको दे देते हैं ताकि वो डेवलप कर सकें उसे। उसके बाद अब
अबॉलिशिंग द लाइसेंस सिस्टम एज द पार्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन। अभी मैंने यहाँ ऊपर ही आपको बताया लिबरलाइज कर दिया, मतलब जो लाइसेंस सिस्टम था इसको हटा दिया, अबॉलिश कर दिया टोटली तरीके से, कि कुछ बिजनेस जैसे कि दो तीन इंडस्ट्री थी, जैसे एटमिक एनर्जी प्रोड्यूस करना, डिफेंस आइटम प्रोड्यूस करना, रेलवे वगैरह, ये दो तीन इंडस्ट्री को छोड़ के गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी बिजनेस थे उन पे से लाइसेंस की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको रिमूव कर दिया, जिससे कि क्या हो गया, अब प्राइवेट पर्सनल प्रोपराइटर क्या थे, इन बिजनेसेस को कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट, टू मेक द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द कंट्री मोर लिबरल एंड सो दैट द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स मे बिकम मोर इजी एंड द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द बोथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज मे बी इम्पोर्टेड एंड ऑल्सो बी फैसिलिटेट फ्री ट्रेड बाय द रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी टैरिफ टैक्सेस एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा रखे थे जिस वजह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कत आती थी, गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ को भी रिमूव कर दिया, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट बाहर से हमें अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लाने हैं वो आसानी से आ सकें, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट भी आसानी से बाहर जा सके, उसकी कॉस्ट भी ना बढ़े। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी रूल्स रेगुलेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे यानी फॉरेन ट्रेड बिजनेस पे लगा रखे थे उन सबको रिमूव कर दिया, ताकि हमारे जो हमारी इकोनॉमी है वो आसानी से वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो सके। चलिए नेक्स्ट फीचर्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर आ रहा है आपका, टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रुपीज इन टर्म ऑफ डॉलर और डिवैल्यू, या बोल सकते हैं डिवैल्यूशन। हमारी करेंसी की जो वैल्यू है बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सी गिरानी भी पड़ी, यानी कि डिवैल्यू करना पड़ा। ऑलरेडी वैसे ही थोड़ी उसकी वैल्यू गिर चुकी थी, क्योंकि हमारी कंट्री की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, तो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जो रुपीज़ की वैल्यू थी डॉलर के कंपेरिजन में उसको थोड़ा सा कम करना पड़ा। टू टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन डेट फ्रॉम द IMF, हमने सब अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या किया, लोन लिया किससे, IMF से एंड वर्ल्ड बैंक ऑफ रेजुवेटिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, टू इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एज प्री कंडीशन ऑफ डेप्थ। हमारी पहले की कंडीशन को सुधारने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंस्टीट्यूशन से क्या के लिए लोन लिए, ताकि हम अभी अपनी इकोनॉमी को एटलीस्ट खड़ा कर सके और डेवलप की ओर बढ़ सके, तो हमने लोन लिए, ये इसका फीचर था। उसके बाद टू रिफॉर्म द बैंकिंग सिस्टम एंड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, और हमने हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें भी रिफॉर्म लाए। कैसे लाए, पहले जो RBI था ये था कंट्रोलर, कौन था ये कंट्रोलर था, ये क्या करता था, जितने भी कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता था, लेकिन जब हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए तो हमने कंट्रोलर से इसको बना दिया आपका एडवाइजर। अब ये क्या बन गया, ये सिर्फ एडवाइस करेगा, यानी कि अब किसी को भी अगर नया कमर्शियल बैंक खोलना है तो उसको RBI से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ RBI उनको क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है। पहले कंट्रोलर था इनको, इनके इंटरेस्ट रेट को, इनको बैंक कमर्शियल बैंक खोलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए, इन सबको कंट्रोल करता था कौन, RBI। लेकिन अब RBI का जो काम है गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, गवर्नमेंट बोला अब आप सिर्फ एडवाइजर की तरह काम करेंगे, आप किसी भी बैंक के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर के बैंक बहुत जल्दी से डेवलप होने लगे, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC और भी जितने भी, ये सारे प्राइवेट बैंक पहले नहीं थे, जब RBI को कंट्रोलर से एडवाइजर बनाया तभी ये बैंक जो है डेवलप होना स्टार्ट हो गए। टू एस्टेब्लिश मार्केट इकोनॉमी बाय विड्रॉइंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑन इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना भी उनका कंट्रोल था मार्केट के ऊपर, मार्केट के जो पावर्स थे उनके ऊपर जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का, वो रिमूव कर दिया, ताकि बाहर से जो इन्वेस्टर है वो आ सके और मार्केट की कंडीशन इंप्रूव हो सके, क्योंकि पहले मार्केट के अंदर भी इतने ज़्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है कि बाहर का कोई भी इन्वेस्टर आके हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इससे हमारा नुकसान होता जा रहा है, तो हम इन रूल्स को वापस ले लेते हैं, ताकि बाहर के इन्वेस्टर आए हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करें और हमारी मार्केट क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेरेंस क्या कर दिया था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या कर दिया था, विड्रॉ।
अपने विड्रॉइंग कर ली थी रिस्ट्रिक्शंस, किसकी, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर लिया था। चलिए एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो आपका इकोनॉमी का चैप्टर थर्ड है, क्या इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। रिफॉर्म्स क्या होता है, पहले का कोई भी सिस्टम चल रहा हो उसमें चेंजेस लाना, उसे रिफॉर्म्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आपका कि हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि ईयर 1991 के अंदर हमारी जो कंडीशन थी हमारी इकोनॉमी की वो क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी। उस वर्स्ट कंडीशन को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बोरोइंग लोन्स लेने पड़े, और लोन भी कितना लेना था हमें, 7 बिलियन का लोन लेना था, क्योंकि 7 बिलियन से कम में हमारे देश की कंट्री इंप्रूव नहीं हो सकती थी। बोरोइंग मतलब कर्जा, ये कर्जा भी हमें कौन, कोई देश के अंदर दे नहीं सकता, बाहर से लेना पड़ेगा। ये 7 बिलियन बोरोइंग के लिए भी हमें किससे बात की, हमने बात की IMF, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एफ है ये, और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों से बात की। इन दोनों ने बोला कि हम आपको लोन तो देंगे लेकिन आपके यहाँ पे जो बिजनेस पैटर्न है उनको इम्प्रूव करिए, और जो आपके यहाँ पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज, इतनी हार्ड पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को क्या करिए, रिमूव करिए, फिर हम आपको लोन देंगे, वो भी एक कंडीशन पे कि आपको हमारे पास गिरवी रखना पड़ेगा क्या, गोल्ड। वो भी हमने कितना गोल्ड गिरवी रखा था, 47 टन, अभी हमने पढ़ा 47 टन गोल्ड हमको गिरवी रखना पड़ेगा। फिर जब हमने ये सब मैनेज कर लिया तो उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे कुछ टाइम के लिए थे कौन, चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर आजाद वाले नहीं है, ये अलग है पर्सनालिटी। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर बने PV नरसिम्हा राव, जिनको शॉर्ट में PVN कहते हैं। ईयर 1991 में उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो कि कौन है, मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको बुलाया, जो कौन है हमारे उस टाइम के ईयर 1991 के टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। क्या है, अर्थशास्त्री, जिसको आप इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ठीक है मैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाता हूँ, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज बनाता हूँ, जो LPG के नाम से भी जानी जाएगी, और रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के नाम से भी जाने जाएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों थी, हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों थी, एक एक पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर लिया। फिर हमने उसके बाद पढ़ा आपका कि हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे 1991 में, उसके अंदर जो मेन फीचर थे क्या थे, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो इन फीचर्स में से आप अगर 5 या 6 फीचर्स भी याद कर लेते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 5 से 6 मार्क्स आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर आप चाहें तो ये सेम थ्योरी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरी है जो डिस्प्ले हो रही है ये NCERT और CBSE बेस्ड थ्योरी है, आप इनको अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको LPG कहते हैं, उसमें से एक एक करके पढ़ेंगे हम, L लिबलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद G ग्लोबलाइजेशन को आने वाली वीडियोस में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो से या आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाकर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम के अंदर आपकी क्वेरी को पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए।